क्या बात है, ये तो चमत्कार ही हो गया। इन्होंने इतनी जबरदस्त आग को, इतनी जबरदस्त हीट को क्रॉस कैसे कर लिया? इनके पैर क्यों नहीं जले? इनके हाथ पैरों में इन्हें गर्मी महसूस नहीं हुई क्या? इनके अंदर जरूर कोई शक्ति है, उस शक्ति की वजह से इन्हें आग कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाती, और इनकी श्रद्धा में ही शक्ति है। तो असल में इनकी श्रद्धा में शक्ति होती है, या इनके अंदर कोई शक्ति होती है, या इसके पीछे से साइंस है? ये इस इतनी जबरदस्त आग को क्रॉस कैसे कर लेते हैं, वो भी बिना अपने पैरों को जलाए, बिना बॉडी में नुकसान हुए? क्या हमें साइंस के बारे में पता चल जाए तो हम भी आग को क्रॉस कर सकते हैं? ये सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको इस वीडियो में। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नई वीडियो आती है आप तक पूरी तरह पहुंच जाए। तो सारे सवालों के जवाब के लिए आते हैं अपने मेन वीडियो पे। मैं हूं आपका होस्ट लोकेश दीक्षित और आप देख रहे हैं टेंशन गेट आउट। जो आग में से निकलने की प्रथा है, ये लगभग 1200 BC से चली आ रही है, और हमारे इंडिया में नहीं, ये पूरे दुनिया के अलग अलग कोनों में जगह जगह पाई जाती है। पॉलिनेशिया में लगभग 1872 से 1953 के बीच में जगह जगह फायर वॉकिंग होती थी। उसके अलावा इगुआना में फायर वॉकिंग होती थी। अपने इंडिया में भी होलिका पे, होली के बीच में से एक पुजारी जो है, वो पंडा है, वो दौड़ के आग को क्रॉस करते हैं। पूरी दुनिया में ही फायर वॉकिंग को एक शक्तियों से जोड़ के देखा जाता है। सब लोग समझते हैं कि फायर वॉकिंग करने वालों के अंदर कोई शक्ति होती है, जिसके वजह से वो आग के ऊपर चलते हैं और उनके पैर जो है वो जलने से बच जाते हैं। तो शक्ति होती है या साइंस होती है, इसी के बारे में आज हम जानते हैं। आपने 15-20 सेकंड का वीडियो देखा, लेकिन इससे पहले की बातें भी और फायर वॉकिंग के बाद की बातें भी आपको जानना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ आपको दिखाई देने में 15-20 सेकंड का वीडियो है, लेकिन इसके पीछे 1-2 महीने की मेहनत छुपी हुई है। जो भी पंडा जो है वो आग के बीच से गुजरता है, जो पुजारी है वो आग के बीच से गुजरते हैं, वो 1 महीने पहले से मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। वो 1 महीने पहले से ही पैरों में चप्पल जूते पहनना बंद कर देते हैं, वो नंगे पैर घूमना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा, सिर्फ फलाहार करते हैं, सिर्फ खाने पीने में वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो कि नॉर्मल होती हैं। फलों का आहार लेते हैं, हरी सब्जियाँ खाते हैं, वो ज़्यादा अन्न वगैरह का त्याग भी ज़्यादातर लोग कर देते हैं। तो अगर आप इसके पीछे की साइंस जानना चाहते हैं, तो हमें ये समझना जरूरी है कि जब एक ठंडी सतह के ऊपर एक गर्म सतह टकराती है, मान लीजिए गर्म सतह है और ये ठंडी सतह है, ये जब दोनों आपस में टकराती हैं तो ये एक दूसरे में हीट ट्रांसफ़र करने लगती हैं, जिसकी वजह से ठंडी सतह गर्म होने लगती है और गर्म सतह जो है वो ठंडा होने लगती है। और ये तब तक होता रहता है जब तक कि या तो दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए या दोनों सतह अलग ना हो जाए। तो ये जितनी देर तक आपस में टकरा के रहेंगी, उतनी देर तक ये एक दूसरे में हीट ट्रांसफर करती रहेंगी। इसका मतलब है कि अगर अंगारों के ऊपर हाथ पैर पड़ा रहेगा या पैर जितना लंबे समय तक टिका रहेगा, उतना ही ज्यादा वो उसको बर्न कर देगी, और जितना वो जल्दी उसके ऊपर से हटा लेंगे उसमें हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा और जो बर्निंग का इफेक्ट है वो काफी कम हो जाएगा। दूसरा एक होता है लेडन फ्रॉस्ट इफेक्ट। लेडन फ्रॉस्ट इफेक्ट में क्या होता है कि अगर किसी गर्म सतह के ऊपर और कोई गीली सतह टकराती है, जिससे कि होता क्या है, एकदम से जो मान लो ये हाथ मेरा गीला है और ये हाथ मेरा गर्म है, तो जैसे ही इसके ऊपर ये टकराएगा, उससे कि क्या होगा कि गीली सतह जो है वो एकदम से जो उसके ऊपर का पानी है वो वेपर में बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा, जिससे कि दोनों के बीच में एक लेयर पैदा होगी, और जो लेयर है, जो परत है, वो एक बैरियर का काम करेगी। वो बैरियर जो है वो गर्म सतह से हीट को ठंडी सतह में ट्रांसफर होने से रोकेगा। इसे हम लेडन फ्रॉस्ट इफेक्ट बोलते हैं। तो लेडन फ्रॉस्ट इफेक्ट की वजह से जो क्या है, वो जो ठंडी सतह है वो हीट ट्रांसफर होने से, यानी कि बर्न होने से, जलने से बच जाएगी। तो हम लोग क्या है, पूरे कंडीशन को जानते हैं कि जो पुजारी हैं वो सबसे पहले 1 महीने पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं, वो 1 महीने पहले से तैयारी करने लगते हैं मानसिक तौर पर इसको काम को करने की, आग के बीच में से निकलने की। दूसरा क्या है, वो जूते चप्पल पहनना बंद कर देते हैं और वो नंगे पैर चलना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके वजह से उनके पैर की जो नीचे की सतह है वो हार्ड हो जाती है। तीसरा क्या है, वो जिस दिन होलिका दहन का मौका आता है उस दिन पहले मंदिर में जाते हैं, 15-20 मिनट आधा घंटे परिक्रमा करते रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं, जिससे वो मानसिक तौर पर प्रिपेयर हो जाते हैं उस चीज़ को कम्प्लीट करने के लिए, आग में से निकलने के लिए। उसके बाद में वो प्रहलाद कुंड के अंदर जाते हैं, उसमें से स्नान करते हैं और सीधा दौड़ते हुए आग के बीच में से निकल जाते हैं। अब हम इस वीडियो को जब ध्यान से देखेंगे, इस वीडियो का पूरी कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब इसके ऊपर उन जो प्रभाव हैं जो हमें आग में बचने से मदद करते हैं, उनको फिर बिठा के देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें होंगी जिनके वजह से हम आग में से बच सकते हैं।
तो पहला इफेक्ट क्या पैदा होगा कि एक गर्म सतह के ऊपर एक ठंडी सतह टकराएगी, तो वो आपस में तब तक गर्म होती रहेंगी जब तक कि वो दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। इस कंडीशन में क्या होगा कि जब पुजारी दौड़ता हुआ निकलता है तो अल्टरनेट पैर को आग के ऊपर रखता है, यानी कि पहले एक पैर आग के ऊपर पड़ेगा, फिर वो हट जाएगा, फिर दूसरा पैर आग के ऊपर पड़ेगा। वीडियो में अगर आप गौर से देखेंगे तो 10 या 11 कदम उन्होंने लगभग आग के ऊपर रखे हैं, और ये जो समय है ये 4 या 5 सेकंड का है। इसका मतलब है कि 1 सेकंड से भी कम समय में उन्होंने पैर को आग के ऊपर रखा है, जिससे कि जो हीट है उसको पैर के अंदर ट्रांसफर होने का ज्यादा मौका ही नहीं मिल पाता। दूसरा क्या है, वो 1 महीने पहले से प्रिपेयर हो रहे थे, नंगे पैर घूम रहे थे, जिससे कि उनके जो पैरों के तलवे हैं उनकी जो स्किन है बहुत ज्यादा हार्ड हो गई थी। हार्ड स्किन होने के वजह से जो हीट है वो पैर के अंदर पूरी तरह ट्रांसफर नहीं हो पाती, जो हार्ड स्किन है वो भी एक बैरियर का काम करती है। तीसरा क्या है, वो प्रहलाद कुंड में जब नहा के निकलते हैं तुरंत, और उसके बाद जब दौड़ते हुए आग के बीच में से निकलते हैं, जिससे कि उनका पैर जो है वो गीले होते हैं, उससे लेडन फर्स्ट इफेक्ट पैदा होता है, तो उनके पैर के बीच में और अंगारों के बीच में एक वेपर की लेयर तैयार होती है, जिससे कि वो बैरियर का काम करती है और हीट को उनके पैर में ट्रांसफर होने से रोकती है। और इन सब के बावजूद, इन सब के कंडीशनों को ध्यान में रखने के बावजूद, अगर कोई हीट जो है, अगर जितनी हीट उनके पैर के अंदर प्रवेश भी करती है, जितनी हीट अगर उनके पैर के अंदर जाती भी है, उसे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर का जो ठंडा ब्लड है, जो ठंडा खून है, वो उस हीट को एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में फैला देता है, जिसके वजह से उनके पैर जो हैं वो जलने से बच जाते हैं। अब सबसे मेन बात आती है, साइंस तो आपने समझ ली, तो क्या इसमें सिर्फ साइंस है? इसमें श्रद्धा का बिल्कुल भी रोल नहीं है, इसमें किसी शक्ति का बिल्कुल भी रोल नहीं है। या कुछ लोग कहेंगे कि साइंस जानने के बाद क्या मैं भी आपके अंदर से निकल सकता हूँ क्या? या दूसरे लोग कहेंगे जब आपको इतनी साइंस पता है तो हम तो आपको साइंस वाला जम मानेंगे, जब आप भी उस आग में से दौड़ के वो निकल जाओ, आप उस आग में से क्रॉस कर जाओ और आप निकल जाओ और आपके पैर ना जले, जम मानेंगे हम कि भाई आपने साइंस की सही बात करी है। अब इसमें श्रद्धा शक्ति का कितना रोल है वो समझते हैं। इस कंडीशन को हम एक उदाहरण से समझते हैं। अगर एक गोला बनाते हैं हम, जहाँ मैं खड़ा हूँ मान लीजिए, या जहाँ पे ये आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, जहाँ ये बंदा खड़ा है, और इससे थोड़ी दूर 2.5 या 3 फीट के दूर एक गोला है, और ये इसमें से कूद के इस दूसरे गोले में जा रहे हैं, और अगर मैं आपसे ये कंडीशन करने के लिए बोलूँ तो एक बड़ा सिंपल सी बात है, आप भी 2-3 फीट कूद के उस दूसरे गोले में आराम से कूद जाएंगे, ये बड़ी सिंपल चीज़ है। लेकिन अब कंडीशन को बदलते हैं, इन दोनों गोलों को मान लीजिए आप 20 माले ऊपर हैं, आप 20 मंजिल के ऊपर हैं, और ये 2 बिल्डिंग हैं, और दोनों बिल्डिंगों के बीच में इतना गैप है जितना इन दोनों गोलों के बीच में गैप है, तो क्या आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के बीच में कूद सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि आप कूद सकते हैं, और आपसे ही मतलब नहीं है, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे जाने पे डर लगेगा, मुझे डर लगेगा, मैं मानसिक तौर पे प्रिपेयर नहीं होऊंगा, मैं घबरा जाऊंगा, और मेरे बहुत ज़्यादा चांस बन जाएंगे कि मैं नीचे गिर पड़ूं। और अगर मैं नीचे गिर गया तो आप जानते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। लेकिन जो माउंटेन क्लाइंबर होते हैं, जो पहाड़ों पे माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो 100-100 मंजिलों की बिल्डिंग के ऊपर काम करते हैं, उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, वो आराम से उसके ऊपर बिल्कुल नेचुरली घूमते रहते हैं। वो काम मैं और आप नहीं कर सकते, पता क्यों? वो काम उनकी प्रैक्टिस में आ गया, उस वो मानसिक तौर पे तैयार हो गए, वो फिजिकल तौर पे तो तैयार हैं ही, वो मानसिक तौर पे तैयार हो गए, वो मेंटली प्रिपेयर हो गए, वो हैबिचुअल हो गए उस कंडीशन के, जिसके वजह से वो काम को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन उसी 100 माले या 20 माले की बिल्डिंग के ऊपर अगर मुझे या आपको चढ़ा दिया जाता है, हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम मानसिक तौर पे तैयार नहीं हैं, हम प्रिपेयर ही नहीं हैं। अगर हम प्रिपेयर नहीं होंगे मानसिक तौर पे, तो हमारी जो फिजिकल बॉडी है वो रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगी। तो मैं कितना भी कूदना चाहूँ, अगर मैं डर जाऊँगा तो मेरी बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगी और मैं उसको कूद ही नहीं पाऊंगा, चाहे वो 2 फीट की दूरी क्यों ना हो। बस यही प्रभाव पैदा करती है श्रद्धा, यही प्रभाव पैदा करती है श्रद्धा, और उस श्रद्धा से मिलती है हमें शक्ति हमारे मेंटली प्रिपेयर होने की। तो अगर मान लीजिए कोई बंदा मेंटली प्रिपेयर नहीं है, वो 1 महीने पहले से तैयारी कर देते हैं कि मुझे आग के बीच में से निकलता है, वो फिजिकली तैयारी करते हैं, जूते चप्पल नहीं पहनते, वो नंगे पैर रहते हैं, लेकिन मेंटली भी प्रिपेयर हो जाते हैं, वो आहार में जो है वो शाकाहारी भोजन खाने लगते हैं, वो अन्न जो है त्याग देते हैं, वो फल फ्रूट खाने लगते हैं, जिसके वजह से उनकी बॉडी जो है खुद को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है। दूसरा, वो इस प्रोसीजर को, इस कंडीशन को करने से पहले मंदिर में 10-15-20 मिनट आधा घंटा गुजारते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं, परिक्रमा देते रहते हैं,
जिससे कि वो मानसिक तौर पर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। और जब उन्हें लगता है कि अब मैं मानसिक तौर पर बिल्कुल तैयार हूँ, जब उन्हें अंदर से फील होता है कि मेरी बॉडी रेस्पॉन्ड करने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो वो प्रहलाद कुंड में जाते हैं और दौड़ते हुए आग में से निकल जाते हैं। तो इसमें क्या कंडीशन पैदा होती है कि अगर हम मानसिक तौर पर तैयार ही नहीं हैं और हम उस टास्क को कंप्लीट ही नहीं करते, अगर आप मानसिक तौर पर तैयार नहीं है और हमें और आपको साग के बीच में से कुदा दिया जाता है, तो जैसे ही हमें हीट लगेगी हम घबरा जाएंगे, हम उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और अगर हम बीच में रुक गए, अगर हम घबरा गए और उस आग के बीच में रुक गए, तो कोई भी साइंस कोई काम करने वाली नहीं है। और साइंस तो बाद में आती है, अगर आप उस टास्क को कंप्लीट करते हैं तो, अगर आप उसमें कम समय लगाते हैं तो तब आपकी साइंस काम करेगी। अगर आप उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते तो साइंस एक तरफ रखी रह जाएगी और आप निश्चित ही उसमें जल के भस्म हो जाएंगे। श्रद्धा जो है वो हमें मानसिक तौर पर तैयार कर देती है, मानसिक तौर पर मेंटली प्रिपेयर कर देती है, जिसकी वजह से हम उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब हम मानसिक तौर पर तैयार होंगे तो हमारी बॉडी भी हमारे मेंटल स्टेटस के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करेगी, जिससे कि हम उस टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे और जो साइंस है वो हमारी बॉडी के ऊपर काम करेगी और हमारे पैर जलने से बच जाएंगे। तो अगर इस घटना के पीछे की जो ये साइंस है आपको अच्छी लगी है और हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम मोटिवेट हो सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह की वीडियोज़ आप तक लेके आ सकें। नमस्कार दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।